हाँ वजह तो बोलो ना, वजह तो बोलो, आपको मैं करा दो, मैं आपको दिखा दो, करो आपको, आप फिक्र मत करो, आपके नाम से बनेंगे ब्लॉक। जिंदगी में बनाना जी, मर के बाद से फायदा क्या है, क्या बोलो, जिंदा रहे तारीफ बनाना भाई। अब क्या करना, सती उत्तर हो गया। अरे हाउ तो वही बोल रहा हूँ, नहीं अरे तुम पूरे पापी में भी जाएगी तुम। तमाम से अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आने वाले पार्लियामानी इलेक्शन में आप मजलिस इत्तेहादुल्मुस्लिमीन को मजबूत करिए, मजलिस इत्तेहादुल्मुस्लिमीन को अपनी दुआओं से रोड से कामयाब करिए, हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर आपकी बरतरी को बरकरार रखिए। ये पूरे वतन अजीज की ये पार्लियामानी सीट आपकी आवाज़ है गरीब और मजलूमों की, और इसको हमने अपने इत्तेहाद से अपने खून पसीने से मजबूत किया है। उन ताकतों को पहचानिए जो आज हमारे दरमियान में आस्तीन के सांप बनकर, बीजेपी के एजेंट बनकर, छोटी बीजेपी बनकर ये कोशिशें कर रहे हैं कि हमारे इत्तेहाद को कमज़ोर किया जाए। तो ऐसे चेहरों को हमको बेनकाब करना है, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला पहले से ज़्यादा तादाद में मजलिस इत्तेहादुल्मुस्लिमीन को अल्लाह सुभाना व तआला अपने फजल और करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि औरंगाबाद किशनगंज पार्लियामेंट की सीट पर हमारे एमपी को मुंतखब करेगा, और भी दीगर पार्लियामानी हलकों पर गौर किया जा रहा है, बातचीत हो रही है। बहरहाल मेरी आप तमाम से अपील है कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। पार्लियामानी हलके हैदराबाद में और हलके असम्बली चार मीनार में आज मजलिस इत्तेहादुल्मुस्लिमीन की जानिब से एमपी लैड के फंड के जरिए 1,29,00,000 की लागत से सुल्तानशाही में 7,000 स्क्वायर फुट पर एक कम्युनिटी हॉल और स्कूल के लिए एक बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर रहेगा। फर्स्ट फ्लोर पर इंशाल्लाह 9 क्लासरूम और ग्राउंड फ्लोर पर स्टाफ के लिए कमरे और बैतुल खला टॉयलेट का इंतज़ाम होगा। ये फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने मजलिस इत्तेहादुल्मुस्लिमीन हैदराबाद के आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में कामयाबी के बाद और भी एडिशनल 2 फ्लोर वहाँ पर बनाए जाएंगे। अतराफ अकनाफ में बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो छोटी इमारतों में स्कूल चल रहे हैं, जिससे वहाँ पर पढ़ने वाले गरीब तलबा और तालिबात की तालीम मुतासर हो रही है। तो ऐसे स्कूलों स्कूल को या स्कूल्स को यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा, और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे मम्मी साहब का, साबिका रुकन बल्दिया का और सीनियर मजलिसी का कि उन्होंने मुझे जानिब तवज्जो दिलाई, और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मंजूर हो गया है, सेंक्शन हो चुका है, गुत्तेदार इंशाल्लाह ताला मार्किंग कर चुके हैं और ये काम शुरू होगा। और ऐसे बहुत से मुकामात पर हमारी कोशिश यही है कि एमपी लैड फंड के ज़रिए हो या एमएलए फंड के तरक्याती फंड के ज़रिए हो या हुकूमत की जो डेवलपमेंट के फंड को इस्तेमाल करके नई इमारतों को बनाया जाए, ताकि गवर्नमेंट के स्कूल्स को मजबूत कर सकें। क्योंकि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात जिनका तमाम का ताल्लुक गरीब खानदानों से होता है, तो इन स्कूल की बिल्डिंगों को अच्छा करेंगे तो उनकी तालीम का मियार भी और एक अच्छा उनको माहौल मिलेगा। तो ये मजलिस इत्तेहादुल्मुस्लिमीन की जानिब से पूरी कोशिशें की जा रही हैं, और भी डेवलपमेंट के काम मुतालिका रुकन असम्बली जनाब ज़ुल्फ़िकार साहब की सरपरस्ती में क़यादत में हल्के असम्बली चार मीनार में किए जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला कल हल्के असम्बली याकूतपुरा में भी और बहादुरपुरा में भी सीवरेज लाइन के 2.5 करोड़ के सीवरेज लाइन कामों का इफ्तिताह होगा हल्के असम्बली याकूतपुरा में, और फिर दोपहर में बहादुरपुरा में भी किशनबाग वार्ड में वहाँ पर भी करीब 2.25 करोड़ के नए सीवरेज लाइन कामों का इफ्तिताह होगा। तो मजलिस इत्तेहादुल्मुस्लिमीन कोशिश यही है कि डेवलपमेंट के काम को करवाया जाए, आवाम को राहत मिले, और मैं आप तमाम से ये अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आने वाले पार्लियामानी इलेक्शन में आप मजलिस इत्तेहादुल्मुस्लिमीन को मजबूत करिए, मजलिस इत्तेहादुल्मुस्लिमीन को अपनी दुआओं से रोड से कामयाब करिए, हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर आपकी बरतरी को बरकरार रखिए। ये पूरे वतन अजीज की ये पार्लियामानी सीट आपकी आवाज़ है गरीब और मजलूमों की, और इसको हमने अपने इत्तेहाद से अपने
खून पसीने से मजबूत किया है। उन ताकतों को पहचानिए जो आज हमारे दरमियान में आस्तीन के सांप बनकर, बीजेपी के एजेंट बनकर, छोटी बीजेपी बनकर ये कोशिशें कर रहे हैं कि हमारे इतिहाद को कमज़ोर किया जाए। तो ऐसे चेहरों को हमको बेनकाब करना है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला पहले से ज़्यादा तादाद में बंदिश-ए-तादाद-ए-मुस्लिमीन को अल्लाह सुबहाना व तआला अपने फजल और करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि औरंगाबाद, किशनगंज की पार्लियामेंट की सीट पर हमारे एमपी को मुंतखब करेगा और भी दीगर पार्लिमानी हलकों पर गौर किया जा रहा है, बातचीत हो रही है। बहरहाल मेरी आप तमाम से अपील है कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए, बीजेपी को उनके नापाक इरादों में नाकाम करना है और मुल्क के वज़ीर आज़म जो बार बार बातें कर रहे हैं आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वतन अजीज़ में मुसलमानों को मार्जिनलाइज कर दिया जा रहा है, सियासी तौर पर, इक्तसादी तौर पर, समाजी तौर पर मस्जिदों को छीनने की कोशिशें की जा रही हैं, शरीयत ने मदाखलत करने की कोशिश की जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड में बनाया गया ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे बुज़ुर्गों ने जिस चीज़ को हासिल किया हम उसको बरकरार रखें और अपनी बरतरी को बरकरार रखें। शुक्रिया।